एंड वेलकम, मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। संजय दत्त से लड़ाई की खबरों पर सलमान खान ने खोली अपनी जुबान। There was never no problem. बिपाशा, मिनीशा और अनुष्का के बाद एयरपोर्ट पर कस्टम के चक्कर में फंसा कौन सा सेलिब्रिटी? बॉडीगार्ड में कैटरीना का आइटम नंबर क्यों कर रहा है करीना को इनसिक्योर? डेली वेली के बहाने क्या आमिर पर भड़के शेखर सुमन? और दिखाएंगे आपको रैंप पर उतरे बॉलीवुड के कौन कौन से सितारे। संजय दत्त से दुश्मनी की बात पर सलमान ने जूम पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मान्यता दत्त के बर्थडे पर सलमान खान और संजय दत्त के झगड़े की बात सुनने में आई थी। तब से अब तक जो भी अपडेट्स गॉसिप की गलियों में आए वो कितने सही हैं और कितने गलत, खुद सलमान खान से ही सुन लीजिए। तो दोस्त जब दुश्मन बन जाते हैं तो क्या होता है, इसका अंदाजा सलमान खान और संजय दत्त दोनों को ही है। बाबा और भाई दोनों ही अब तक बॉलीवुड में अपने कुछ दोस्तों से अपने इक्वेशंस बिगाड़ चुके हैं और अब कसौटी पर है इन दोनों की दोस्ती या फिर यूं कहें दुश्मनी। संजय दत्त की दुश्मनी पर सलमान ने खोली है अपनी जुबान। There was never no problem. I don't know who started this, but it is there. So जिसने भी ये स्टार्ट किया है, either is for fun or it is some घटिया सोच का एक शख्स होगा या जो भी होगा या टीवी चैनल जस्ट प्रमोटिंग दिस, देयर इज नेवर अ प्रॉब्लम। संजय दत्त की पार्टी में सलमान खान बाहर का निकले, खबरों ने जोर पकड़ लिया कि दोनों के बीच कुछ हुआ था। बॉडीगार्ड में सलमान के डैड का रोल रिफ्यूज करने पर और शाहरुख खान की राह वन में कैमियो करने पर कहा गया कि सलमान और संजय के बीच हुई लड़ाई, मगर जूम ने एक्सक्लूसिवली बात की सलमान खान के साथ, जिन्होंने हमें बताया कि जब ये खबरें संजय दत्त और उन्होंने देखी तो दोनों ने एक दूसरे को कॉल किया और प्यार से कहा बाबा भाईज। संजू बाबा को लेकर सलमान भाई ने अपने दिल में कोई शिकवे नहीं रखे हैं, एटलीस्ट सलमान खान की बातों से तो यही लगता है। सलमान ने ये भी कहा कि जहां सारा मीडिया उनकी लड़ाई के बारे में गॉसिप की गलियारों में पोस्टर्स लगा रहा था, वहीं ये दोनों एक साथ शूटिंग कर रहे थे। संजू एंड मी वर शूटिंग फॉर बिग बॉस द नेक्स्ट डे। चलिए सलमान, वी काउंट ऑन योर वर्ड्स, और ये मान लेते हैं कि संजय दत्त के साथ नहीं है आपका कोई भी पंगा। मुंबई में सजा है एक फैशन का मेला, जहां स्टार्स कर रहे हैं फेमस डिजाइनर्स के कलेक्शंस को शोकेस। इस इवेंट का फुल अपडेट इज अप नेक्स्ट। पिछले एक वीक से बॉलीवुड पर फैशन का जलवा तो बना ही हुआ है। एक ऑन गोइंग फैशन इवेंट के पहले दो दिन रहे बड़े हैपनिंग, जहां आए बॉलीवुड के कई सितारे, और कुछ ऐसा ही ग्लैमर और फैशन से भरा हुआ था इस इवेंट का थर्ड डे भी। टू ऐड टू द होल ब्यूटी ऑफ द शो, वी सॉ मलाइका, अमृता, दिया मिर्जा एंड मुग्धा गोडसे वॉकिंग द रैंप फॉर देयर फेवरेट डिजाइनर्स। शुरुआत करते हैं मलाइका और अमृता राव से, who walked the ramp for Mandira Work. दोनों सिस्टर्स दिखीं काफी excited before walking the ramp. हम बहुत ही excited हैं, because ये हम पहली बार हम साथ में ramp पे walk करेंगे किसी designer के लिए, तो obviously हम बहुत ही खुश हैं। So are we मलाइका? आप दोनों को रैंप पर साथ देखकर we quite enjoyed the whole show. बट बात करें अगर इनके अटायर की, तो they both flaunted their back quite often, और दोनों ने चूज किया the color black. The body fitted gown with a high knee length slit made both the sisters look really hot and sexy. इस अवतार में हमने मलाइका को तो कई बार देखा है, पर आज हमने अमृता को भी देख लिया, and we must say both you ladies looked quite stunning on the ramp.
हमने जब इन दोनों से पूछा कि बाय फ्लॉन्टिंग देयर बैक्स आर दे ट्राइंग टू ब्रिंग द डीप बैक आउटफिट्स बैक इन ट्रेंड अगेन, वेल देयर आंसर वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड. बैक नेवर वेंट आउट ऑफ ट्रेंड. आई मीन बैक विल ऑलवेज बी इन ट्रेंड. या ट्रू मलाइका, आपके हर एक आउटफिट को देखकर हमें यकीन हो गया है कि बैकलेस अटायर्स कैन नेवर गो आउट ऑफ फैशन. करीना कपूर नेक्स्ट ईयर शादी करने जा रही हैं. यही है बॉलीवुड की हॉटेस्ट बज और जूम आपके लिए लेकर आया है करीना के ब्राइडल वेयर का कंप्लीट अपडेट. सैफ तो लगता है बेबो से ऐसा पूछ पूछ कर थक चुके हैं और एक बेबो है जो जवाब ही नहीं देती. ऐसे में सैफ का कुछ ऐसा इजहार करना तो बनता ही है ना. अब लगता है सैफ के इतने इंसिस्ट करने पर करीना ने मन बना ही लिया है. जी हाँ, द बिग न्यूज इसकी करीना और सैफ की शादी है इन द पाइपलाइन इन द ईयर 2012, यानी कि जल्द बजने वाली है पटौड़ीज के आंगन में शहनाइयां. एस फाइनली करीना ने कह दिया है कि अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे क्लोज सोर्सेस से मिली है हमें पक्की खबर कि आजकल बेबो लगा रही हैं दिल्ली के चक्कर, और इस बात का रीजन है उनका वेडिंग एंसेंबल जिसे डिजाइन कर रही हैं रितु कुमार. वेल यस, करीना अपनी फिटिंग्स के लिए आजकल दिल्ली जा रही हैं और इस शादी में दुल्हन के वार्डरोब का जिम्मा दिया गया है रितु कुमार को. बट दिस हैज डेफिनेटली कम एज अ सरप्राइज टू अस, क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि करीना की फैमिली यानी कि द कपूर्स हैं कितने क्लोज टू मनीष मल्होत्रा. बी इट करीना और करिश्मा, ये दोनों सिस्टर्स हमेशा ही डॉन करती आ रही हैं मनीष मल्होत्रा के क्रिएशंस. इनफैक्ट करिश्मा की शादी में भी उन्होंने पहना था मनीष का डिजाइन किया हुआ पिंक लहंगा. तो फिर क्यों करीना ने बदल ली लॉयल्टी और क्यों वो करवा रही हैं अपना वेडिंग अटायर डिजाइन बाय रितु कुमार, हु शी इज नॉट इवन दैट क्लोज टू? वेल, इसका जवाब भी हम आपको दे ही देते हैं. ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बेबो की वुड बी मदर इन लॉ यानी कि शर्मिला जी हैं वेरी क्लोज टू रितु कुमार. इनफैक्ट उन्होंने रितु कुमार के लिए काफी शोज में किया है रैंप वॉक भी. तो जाहिर सी बात है कि बेबो रख रही हैं अपनी वुड बी मदर इन लॉ का मन और कर रही हैं वही जो कि है शर्मिला जी की डिजायर. इंटरेस्टिंगली करीना का वेडिंग एंसेंबल भी रहेगा काफी रॉयल, क्योंकि वो छोटे नवाब की ब्राइड होंगी. शर्मिला जी चाहती हैं दैट करीना शुड इनहेरिट द लेगेसी. फॉर इंस्टेंस, द एलूम दुपट्टा व्हिच शर्मिला टैगोर गॉट फ्रॉम हर मदर इन लॉ वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन करीनास वेडिंग एंसेंबल टू एज अ मार्क ऑफ ट्रेडिशन. यानी नो मॉडर्न कट्स, नो हाई फाई स्टाइल. करीना बनेंगी एक एब्सोल्यूट ट्रेडिशनल बेगम फॉर हर वेडिंग. साथ ही ये भी बता दें कि ये शादी होगी सैफ की एंसेस्ट्रल हवेली में, विच इज इन पटौड़ी. सो ऑल यू बेबो फैंस, बी रेडी टू मीट द नेक्स्ट बेगम ऑफ द इंडस्ट्री. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. कस्टम डिपार्टमेंट को बॉलीवुड से नया शिकार मिल गया है. रिपोर्टेडली संडे को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में फंसी एकता कपूर. एकता कपूर हो गई कस्टम्स की जांच का शिकार. एकता कपूर को कस्टम्स ऑफिसर्स की लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा. जी हाँ, यही है मुंबई एयरपोर्ट पर बॉलीवुड के एक और सेलिब्रिटी के कस्टम्स के फेरे में फंसने का लेटेस्ट अपडेट. क्योंकि खबर आई है कि संडे की रात एकता कपूर को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की जांच का शिकार होना पड़ा. सूत्रों की माने तो एकता भी डेक्लरेशन वाले इश्यूज की वजह से कस्टम्स के चक्कर में पड़ गई. एकता ने ना तो अनुष्का शर्मा से कोई सबक लिया और ना ही मिनीषा लांबा से. The laws for taking studded jewelry out of the country is more complicated than one thought. There is a lot of procedural requirement for that. अब एकता को डिटेन किए जाने की वजह क्या थी और कस्टम्स ने एकता पर कोई चार्जेस लगाए या नहीं, ये अपडेट भी हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में दे ही देंगे. बॉडीगार्ड में कैटरीना कैफ का आइटम नंबर किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है. करीना कपूर अब अपनी इस फिल्म में कर रही है एक हॉट सॉन्ग की डिमांड. तो क्या ये कैटरीना और करीना के बीच छिड़ी कोई नई कैट फाइट का नतीजा है?
कटरीना सलमान एक साथ एक ही फ्रेम में आए और कुछ हलचल ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। बॉडीगार्ड के इस आइटम नंबर के लिए कटरीना का सलमान के साथ आना दो दो बड़े अपडेट्स लाया है अपने साथ। पहला और सबसे बड़ा अपडेट तो हम आपको बता ही देंगे, पहले सलमान और कटरीना के साथ आने के साइड इफेक्ट देख लीजिए। और वो है कटरीना कैफ के ये डांस स्टेप्स हवा दे रहे हैं एक कैट फाइट को। जी हाँ, बॉडीगार्ड में सलमान खान के साथ कटरीना कैफ के एक आइटम नंबर ने एक कैट फाइट को हवा दे दी है। सुनने में आया है कि करीना कपूर अपनी फिल्म बॉडीगार्ड में कैट्स के आइटम नंबर की बात आसानी से हजम नहीं कर पा रही हैं और उन्होंने डिमांड की है कि उन्हें भी एक हॉट आइटम नंबर मिलना चाहिए। शायद बेबो को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म की सक्सेस का सारा क्रेडिट शीला की जवानी को फेमस बनाने वाली कटरीना ले जाए। और अब आपको बता ही देते हैं बॉडीगार्ड में कटरीना के आइटम नंबर का सबसे बड़ा इफेक्ट। इस आइटम नंबर ने इस बात को गलत साबित कर दिया है कि सलमान और कटरीना के रिश्तों में दूरी आ गई है। रिपोर्टेडली बॉडीगार्ड के प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री ने ये कंफर्म किया है कि कटरीना ने इस आइटम नंबर के लिए कोई फीस नहीं ली है, यानी सलमान खान की फैमिली के लिए ना तो कटरीना का कमिटमेंट कम हुआ है और ना ही लॉयल्टी। तो क्या मतलब निकाला जाए इसका? कहीं कटरीना और सलमान का लिंक अप ब्रेकअप का खेल सिर्फ बजस बनाने के लिए तो नहीं है? शेखर सुमन आमिर खान को कोस रहे हैं। आमिर क्यों बन गए हैं शेखर सुमन का टारगेट, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। एक ऐसी फिल्म, एक ऐसी कॉमेडी जो पूरा परिवार बैठ के देख सके। शेखर सुमन ये बात किसके लिए कह रहे हैं? बॉलीवुड में किस फिल्म को लेकर इतनी नाराजगी रखते हैं शेखर सुमन? एक ऐसी फिल्म, एक ऐसी कॉमेडी जो पूरा परिवार बैठ के देख सके। कोई ऐसी कॉमेडी ना हो जहाँ पिता को एम्बैरेसमेंट हो कि वो बेटी के साथ क्यों बैठा है, या भाई को एम्बैरेसमेंट हो कि वो बहन के साथ क्यों बैठा। अगर अब भी आप शेखर का इशारा नहीं समझ पाए हैं तो हम आपकी कर देते हैं थोड़ी मदद। कोई ऐसी फिल्म जो आपने देखी हो, आपको ऐसी लगी हो कि आप अपनी फैमिली के साथ वो फिल्म नहीं देख सकते? बहुत सारी फिल्म है। डेली बेली है जिसमें बहुत ही अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया, जो खुद आमिर खान ने कहा कि मैं अपनी बेटी को ये फिल्म अलाउ नहीं कर सकता देखने के लिए। शेखर सुमन का ये गुस्सा है आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म डेली बेली जैसी फिल्मों के लिए। साफ तौर पर तो आमिर खान पर नहीं बरस रहे शेखर, लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में कॉमेडी के नाम पर परोसे जाने वाले कंटेंट पर साथ दिया है निशाना। ऐसा कोई मोड़ नहीं आना चाहिए जिंदगी में जहां फला लोग देख सकते हैं, फला नहीं देख सकते। एक ऐसी फिल्म और एक ऐसी कॉमेडी जो हम सब मिलके देख सके, तो उस फिल्म में कुछ ऐसी भाषा थी जो आप शायद परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। पर शेखर, शायद आप भूल रहे हैं कि बच्चों के साथ देखने लायक तो अब आपके कॉमेडी शोज भी नहीं बचे हैं। बच्चों से ही ऐसे परफॉर्मेंसेस करवाए जा रहे हैं जिनमें डबल मीनिंग की भरमार है। और इन कॉमेडी शोज को भी अगर छोड़ दें तो भी खुद शेखर ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्म्स की हैं जो बच्चों के साथ देखने लायक तो कतई नहीं थी। एक ऐसी फिल्म, एक ऐसी कॉमेडी जो पूरा परिवार बैठ के देख सके। कोई ऐसी कॉमेडी न हो जहाँ पिता को एम्बैरेसमेंट हो कि वो बेटी के साथ क्यों बैठा है, या भाई को एम्बैरेसमेंट हो कि वो बहन के साथ क्यों बैठा। चलिए मूव कर जाते हैं शेखर के इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से, वरना शेखर ने अगर आमिर से टारगेट मूव किया तो क्या पता मीडिया पर ही चढ़ाई ना करने लग जाए। अमिताभ बच्चन एक बार फिर अब्डोमिनल पेन से परेशान है। बिग बी ने अपने पेट में दर्द का अपडेट खुद अपने फैंस तक पहुँचाया है अपने ब्लॉग के जरिए। एक बार फिर बिग बी को पेट दर्द ने परेशान कर दिया है। जी हाँ, खबर मिली है कि बिग बी संडे की रात उसी पेट दर्द से जूझते रहे जिसने कई बार उन्हें मुसीबत में डाला है। और बिग बी को बार बार होने वाले इस अब्डोमिनल पेन की वजह है 1982 की फिल्म कूली का वही शॉट जिसमें एक फाइट सीन के दौरान बिग बी घायल हो गए थे। बिग बी ने अपने ब्लॉग पर फैंस के साथ अपनी तकलीफ शेयर की है, यानी बिग बी के चाहने वालों तक भी बिग बी की हेल्थ का ये अपडेट जरूर पहुँच गया होगा। वैसे बिग बी इन दिनों अपनी फिल्म आरक्षण के प्रमोशंस में काफी बिजी रहे हैं और ये भी हो सकता है कि उनके इस एब्डोमिनल पेन की वजह प्रमोशंस का एक्सर्शन हो। मिस्टर इंडिया की सीक्वल फाइनलाइज हो गई है। जहां मिस्टर इंडिया 2 में अनिल कपूर और श्रीदेवी की वापसी होगी, वही सलमान इस फिल्म में बन सकते हैं विलेन। मिस्टर इंडिया का सीक्वल बहुत जल्द बनने वाला है, बट इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि सलमान खान पहली बार दिखेंगे एक नेगेटिव रोल में फॉर दिस फिल्म मोगैम्बो।
खुश हुआ। जी हाँ, बहुत जल्द आप द लेट अमरीश पुरी को भूल जाएंगे जब आपके सामने आएगा ये नया मोगैम्बो यानी कि सलमान खान। दबंग सलमान अब बनेंगे मोगैम्बो। वेल यस, हम सब ने सलमान को हमेशा एक पॉजिटिव रोल में ही देखा है, बट अब तैयार हो जाइए सलमान को एक नेगेटिव रोल में देखने के लिए। वेल, खबरों की माने तो सलमान मिस्टर इंडिया के सीक्वल में मोगैम्बो का रोल प्ले करेंगे जो कि द लेट मिस्टर अमरीश पुरी ने निभाया था ओरिजिनल फिल्म में, बट अब ये रोल सलमान करेंगे। बोनी कपूर की इस 3D फिल्म में आप देख सकते हैं सलमान को मोगैम्बो खुश हुआ कहते हुए। अब फिल्म में सलमान का लुक होगा बॉल्ड या नहीं, इसकी भी अपडेट हम आपको जूम पर दे ही देंगे। अब क्योंकि ये फिल्म 3D इफेक्ट्स के साथ शूट होगी तो सूत्रों की माने तो इस फिल्म का बजट है तकरीबन 150 करोड़, पर इस फिल्म के लिए आपको करना होगा लंबा इंतजार क्योंकि ये फिल्म आएगी 2014 में और इसकी शूटिंग शुरू होगी 2012 में। वेल, बोनी कपूर सलमान के इस विलनस लुक के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हायर करेंगे। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। वी कॉट देम, वी क्लिक देम, एंड नाउ वी ब्रिंग इट टू यू। बॉलीवुड की लेटेस्ट पिक्स सिर्फ यहाँ और कहाँ। चलिए शुरुआत करते हैं प्रीति झांगियानी की इस पैंटीलेस पिक्चर से। प्रीति झांगियानी जॉइंस द बॉलीवुड ब्रिगेड ऑफ पैंटीलेस बेब्स। प्रीति पहुंची दिल्ली टू प्रमोट हर हस्बैंड्स मूवी सही बंदे गलत धंधे। वेल, शी लुक क्वाइट ओके इन हर अटायर, बट पुअर थिंग, शी फॉरगॉट टू वेयर अ पैंटी एंड शटरबग्स कैप्चर्ड इट। और अब सीधा चलते हैं बॉडीगार्ड के सेट्स पर, जहां एक तरफ करीना और सलमान रोमांस कर रहे हैं तो दूसरी ओर करीना की इन ऑन सेट पिक्चर्स में वो लग रही हैं काफी ब्यूटीफुल वेयरिंग दिस लवली साड़ी। वेल, इतना ही नहीं, सलमान दिख रहे हैं काफी कंफर्टेबल अपनी बेस्ट फ्रेंड कैटरीना के साथ इन पिक्स में। और ये देखिए, सलमान पोजिंग विद हिज बॉडीगार्ड। बॉलीवुड की इन्हीं लेटेस्ट पिक्चर्स को हम दिखाते रहेंगे आपको ऑन जूम, सो कीप वॉचिंग। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, काल की क्यों हो गई है स्किज़ोफ्रेनिक। मुंबई में चल रहे फैशन टूर के दौरान जूम ने बात की कालकी से, जहां कालकी ने कैंडिडली किए कुछ कन्फेशंस। टुनाइट वी आर जूमिंग इनटू समवन हुज ड्रेस इज एज ड्रामेटिक एज शी, सो शी कोट्स। कालकी, वेलकम ऑन जूम। थैंक यू। कालकी, आई मीन योर ड्रेस इज रियली सो ड्रामेटिक एंड अनुराग वंस सेड दैट यू आर अ हिप्पी, सो व्हिच ऑफ द टू थिंग्स आर ट्रू? I'm a complex and dramatic hippie. I mean an actor is a very complex person and has I think slightly schizophrenic personalities and really goes through the extremes because you're constantly changing characters, different kinds of clothes for different roles, even for different events. So you're used to changing to become a chameleon. And it's a really elaborate long gown. So does size matter? Well, you know, I don't really think about size when I can think of my clothes. I think you just have to look at something and you decide if you like it or not. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि संजू बाबा क्यों कर रहे हैं नर्वस सलमान खान को। संजय दत्त से सलमान खान की कोई लड़ाई नहीं है, सलमान का जूम से ये कन्फेशन तो हम आपको बता ही चुके हैं।
अब आपको दिखाते हैं कि बिग बॉस में संजू के सामने क्यों नर्वस हो रहे हैं सलमान खान। जूम ने आपको बताया सलमान और संजय दत्त की दुश्मनी का सच। संजय और सलमान की रियल दोस्ती की कहानी तो आपने जान ही ली, अब जरा ये भी जान लीजिए कि रियल लाइफ में संजय और सलमान के बीच क्या हो सकता है। सलमान ने तो पहले ही रिवील कर दिया कि संजय के साथ उन्होंने अपने रियलिटी शो बिग बॉस की शूटिंग शुरू कर दी है। संजू एंड मी वर शूटिंग फॉर बिग बॉस द नेक्स्ट डे। लेकिन अगर सोर्सेस की माने तो संजय जल्द ही शो से उब सकते हैं। सुनने में आया है कि शो के लिए जिस तरह का मूड बने रहना चाहिए वैसा बनाए रखना सलमान के लिए भले ही इजी हो, मगर संजय के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सलमान और संजय दोनों को टीम वर्क करना है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो संजय तभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं जब उनका मूड बना हुआ हो। यानी मुमकिन है कि आगे चलते हुए सलमान पर होगा एक बड़ा जिम्मा, ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ संजय दत्त को कम्फर्ट जोन देना ताकि संजू अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। मतलब हो सकता है कि सलमान को अपने लॉस्ट एंड फाउंड फ्रेंड संजय को बार बार ये कहना पड़े बाबा बाय। With this, it's a wrap. But before that, warning to all our fashion buffs because Zoom is launching a new show, Style Strip, जो आ रहा है सबकी बैंड बजाने. Tune in on 9th August at 6 p.m. Keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.